Student, we are going to start exercise 2.2 of unit number 2, that is whole number. So question number 1 है, उसमें कह रहा है check the following by changing the division into multiplication. आपने division को multiplication में convert करना है और उसके बाद check करना है कि जो भी आपके पास के numbers हैं क्या वो equality की condition को satisfy करते हैं या नहीं. क्वेश्चन के सारे पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो वन बाय वन हम उनको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पे क्वेश्चन के अंदर देखें, 24/6 इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ ये डिवीजन में है, 6 आपके पास कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, डिवाइड के फॉर्म में. उसने कहा है कि इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है, तो मल्टीप्लीकेशन में हम कैसे चेंज करेंगे, जो भी चीज आपके पास डिवाइड होती है वो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. सो 4 के साथ आपके पास ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4. नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यानी हमने जो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म थी जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पे भी, तो ये मल्टीप्लाई होगी. अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास ऐसे ही रहेगी, इज इक्वल टू 4×6=24. तो आपने देख लिया कि हमने इनको प्रूफ भी करना था कि क्या ये दोनों इक्वल है, तो आपके पास आंसर आ गया. ठीक है, ये सेटिस्फाई करती है, इक्वालिटी का मतलब है कि ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, ये चीज आपने प्रूफ करनी. नेक्स्ट पार्ट के अंदर 12/2=6, आपने ये डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म है इसको आपने इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाना है. जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो ये 12/6×12, तो ये सेटिस्फाई करे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7/7=1. अच्छा, यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करा स्टूडेंट कि इसको आप इसके साथ कट कर दें. उसने कहा है कि आपने डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है, तो जब इसे हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो ये 7 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 7 7s are 7 1s are हमारे पास क्या आते हैं, 7 आते हैं. सो ये प्रूफ हो गया. नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 92/23. 92 तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, ये 23 डिवाइड हो रहा है कि उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 23 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 92. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 5, 0/9=0. ये 0 ऐसे ही रहेगा, डिवीजन में आपके पास जो 9 है, यानी डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास जो 9 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. स्टूडेंट, जब भी हम किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो चाहे जितना भी बड़ा हो, आंसर हमें क्या देता है, हमेशा 0 ही देता है. सो लास्ट पार्ट है इसका 450/10. 450 ऐसे ही रहेगा, 10 जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 45 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर क्या आता है, 450. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपने डिनोमिनेटर की वाली टर्म को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करना था. क्वेश्चन नंबर 2, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन आर सब्ट्रैक्शन टू सॉल्व द फॉलोइंग. पहले तो उसने आपको दो चॉइसेस दिए, या तो आप एडिशन वाला यूज करें या सब्ट्रैक्शन वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें. तो हम पहले देख लेते हैं स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह की होती है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह होती है स्टूडेंट, आपके पास 3 नंबर होते हैं a × b + c. अब ये लॉ ये कहता है कि a को आप इंडिविजुअली b पे अप्लाई करें और a को इंडिविजुअली c पे अप्लाई करें. ठीक है, और उनका सम लें तो ये आपके पास आंसर सेम रहते हैं. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्योंकि इसके दरमियान प्लस का साइन है, एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्योंकि इसके दरमियान माइनस का साइन है. ठीक है, सो हमने इसको जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास है 25×12, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, 25 को 12 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर हम इसको लेके जाएं तो आपकी अपनी चॉइस है. ठीक है, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इस पर अप्लाई करूं. ठीक है, तो एडिशन के अंदर आप देखें, फर्स्ट नंबर ए मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, 25 सपोज कर ले a×. अब नेक्स्ट 12 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि b+c, यानी दो नंबर की एडिशन की फॉर्म में लिखना है, दो नंबर को प्लस करें तो आपके पास 12 आना चाहिए. तो उसके लिए बहुत सारे चॉइसेस है स्टूडेंट, जैसे मैं लिख सकती हूँ 10+2 लिख सकती हूँ, उससे भी मेरे पास 12 आता है. ठीक है, मैं इसमें ये चॉइस ये लिख सकती हूँ कि 10+2=12. ठीक है, इसमें और चॉइसेस, अगर कोई एक और स्टूडेंट ये लिखना चाहता है 11+1 तो ये भी ठीक है, कोई स्टूडेंट ये लिखना चाहता है 9+3 तो वो भी ठीक है, इसमें मसला कोई नहीं है. सो स्टूडेंट, ये नंबर की जो चॉइस है, यानी 12 को आपने किस तरह से स्प्लिट करना है वो आप किसी तरह से भी कर सकते हैं. सो मैं ये वाली
जो मैंने नंबर दो चूज किए मैं इनको सिलेक्ट करती हूँ और उसके मुताबिक अपने क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। अब यहाँ अगर आप इसको देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई है, ठीक है। ये हमने उस ला की लेफ्ट हैंड साइड बनाई है और ये इज इक्वल टू किसके होती है, इज इक्वल टू, अब ये नंबर अलग अलग इस पे भी अप्लाई हो जाते हैं और इस पे भी अप्लाई हो जाते हैं और ये जो भी साइन होता है ये आपके पास दरम्यान में आ जाता है। सो किस तरह से 25 आपके पास अप्लाई हो जाता है 10 पे, प्लस दरम्यान में आ जाते हैं और फिर ये 25 मल्टीप्लाई हो जाते हैं 2 में। सो स्टूडेंट ये तो आपने लिख लिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या एडिशन। अब हमने इनको वन बाय वन सॉल्व करना है और देखना है कि क्या हमारे आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं। तो यहां देखिए 25 इंटू 10 प्लस 2 करें तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आते हैं 12, 25 इंटू 12 करें। चलिए जब तक हम इसकी दूसरी साइड सॉल्व कर लेते हैं क्या देखते हैं कि आंसर सेम आ रहे हैं। 25 इंटू 10 करें तो आपके पास आता है 250 प्लस 25 इंटू 2 करें तो आपके पास आता है 50, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 300। 25 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आ गया 300। एंड यहां अगर इस पर साइड पे देखें राइट हैंड साइड पे देखें तो 250 को 50 में प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 300। इसका मतलब है कि जो आपने ये स्प्लिटिंग की है यानी 12 की आपने किसी तरह भी पेयर बनाए वो सही है, ठीक है। तो आपने इसको प्रूव करना था ये आंसर आपके पास आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर इसी क्वेश्चन में नहीं मैं नेक्स्ट पार्ट करवा लेती हूँ, चले उसमें हम थोड़ी डिफरेंट तरीके से स्प्लिटिंग करवा लेते हैं। पार्ट नंबर 3 करवा रही हूँ। इन पार्ट नंबर 3 देयर इज 18 क्रॉस 12। अब मैं यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन करूंगी वो कोशिश करूंगी कि जो प्रॉपर्टी यूज करूंगी वो सब्ट्रैक्शन वाली हो ताकि आप लोगों को दोनों की जो है दोनों प्रॉपर्टी यूज करनी आ जाए। यहाँ पे हमारे पास दिस वन इज बेसिकली ए तो ये हमारे पास सेम ही रहते हैं, ठीक है 18। अब हमने इस 12 को क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ इस तरह की पेयरिंग करनी है, दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्टिंग आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। अब इसके भी बहुत सारे ऑप्शन है स्टूडेंट, यानी अगर 12 में से आप 2 माइनस करें 14 में से आप 2 माइनस करें तो आपके पास 12 आता है, एक ऑप्शन ये है आपके पास 14 माइनस 2, ठीक है। अगर इसी तरह आप 16 में से 4 माइनस करें तब भी आपके पास 12 है, रिजल्टिंग आंसर ये आना चाहिए, चाहे जो मर्जी दो पेयर लें उनको सब्ट्रैक्ट करें आंसर लाजमी ही आना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 14 में से 2 माइनस करी हूं मेरे पास आंसर 12 आ रहा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बन गई है सो हम इसी को देख के राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड किस तरह लिखें, ये नंबर इन दोनों पे अलग अलग से अप्लाई हो जाता है, ठीक है 18 क्रॉस 14 एंड 18 क्रॉस 2 और दरमियान में कौन सा साइन आ जाता है जो इन दो नंबर्स के दरमियान में है। सो अब हमने ला लिख लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आपका आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर तो आपने सब्स्टिट्यूशन ठीक की हुई स्टूडेंट तो आपके दोनों आंसर्स को सेम आना चाहिए। 18 × 14 में से अगर आप 2 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाते हैं 12। ब्रैकेट मैंने इसलिए हटा दिया कि ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आपने 18 को 12 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, सो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 × 12। इसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तब तक हम यहां पे इज इक्वल टू दूसरे साइड पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हमारे पास आंसर आ गया 216। अब 18 × 14 करना है स्टूडेंट, यानी 18 को आपने मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ, सो 18 × 14 विल गिव यू 252। 252 माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 18 को 14 से मल्टीप्लाई किया 252 आ गया, 18 × 2 हमने करना है तो 2 8 16, 1 ऊपर कैरी, 2 1 2 और 3। सो 252 में से स्टूडेंट आपने 36 को माइनस करना है, सो जब हम 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 216। अब ये भी 216 है ये भी है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों इक्वल है, आपने इसको सही सॉल्व किया है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज 346 × 99।
सेवन पार्ट, थ्री फोर्टी सिक्स इंटू नाइन्टी नाइन। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप एडिशन करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं। फर्स्ट ये आपके पास ए है, इसको आप ऐसे ही रहने दें। 346 इंटू 99 में आप जो मर्जी करना चाहें, मतलब आपने अगर एडिशन करनी है तो एडिशन के लिए क्या होगा, जैसे 90 प्लस 9 99 बन जाता है, इसी तरह अगर आप 96 प्लस 3 करें तो भी 99 बन जाएगा। डिफरेंट आपके पास चॉइसेस है, ठीक है। तो मैं 90 प्लस 9 करी हूँ क्योंकि रिजल्टिंग आंसर 99 आ रहा है। अब ये किस तरह से अप्लाई होते हैं, दिस 346 इज मल्टीप्लाइड विथ 90, यानी 90 से भी ये मल्टीप्लाई होता है, और फिर यही नंबर इस 9 से भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और इनके दरमियान में साइन कौन सा आता है, जो इसके दरमियान होता है, यानी एडिशन का साइन आता है। सो उनसे वन बाय वन प्रूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसे वन बाय वन प्रूव करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप देखें तो आपके पास है 346 इंटू 90 प्लस 9, यानी 90 में अगर आप 9 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 346 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। 346 को 99 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 34,254 आता है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। ये तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में 346 को आपने 90 से मल्टीप्लाई करना है, सो ये आपके पास आता है 31,140। अब इसी तरह 346 को अपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, सो 346 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 3,114। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करने से, सम करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, तो हमारे पास आंसर एग्जैक्टली यही आ रहा है, 34,254। इट्स मीन कि ये दोनों के दोनों इक्वल है, आपने जो भी पेयरिंग की है वो सही है। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है स्टूडेंट, कोई भी आप नंबर की पेयरिंग, सबसे पहले दो चॉइसेस हैं, चाहे एडिशन लगाना चाहे सब्ट्रैक्शन लगाना चाहे, यहाँ पे कोई भी पेयरिंग कर सकते हैं। दिस इज नॉट स्टैंडर्ड कि 90 में 9 प्लस करें 99 आते हैं, ठीक है। आप 92 में 7 प्लस करें तो भी 99 आते हैं। ये पेयर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपने उसके बाद उसकी पेयरिंग करने के बाद, यानी दो नंबर चूज करने के बाद, लॉ ठीक से लगाना है। वो हमेशा क्या होता है, जो बाहर नंबर होता है वो इन दोनों नंबर्स पे अलग अलग अप्लाई हो जाते हैं, और जो इन दो के दरमियान साइन हो रहा था वो उनके दरमियान आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 एंड द रिमेनिंग पार्ट्स आर योर सेल्फ असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एंड वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट। स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इतनी रेपिटेटिव है इस एक्सरसाइज में कि आपको ये जो ला है, ये प्रॉपर्टी है, ये फिंगर टिप्स पे याद हो जानी चाहिए। है हमने फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट लिखनी है और उसके बाद उसको प्रूव करना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज 251 क्रॉस 30 प्लस 1। स्टूडेंट इसको अगर आप कंपेयर करें, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लिखी हुई है दोनों, तो ये राइट हैंड साइड है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास एडिटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है उसकी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। सो हम इसके देखते हुए राइट हैंड साइड लिख लेंगे। राइट हैंड साइड हम कैसे लिखेंगे, दिस 251 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ भी, और ये 251 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ भी, ठीक है। दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इनके दरमियान साइन कौन सा आएगा, तो वो ये वाला साइन आएगा, दैट इज प्लस। यहाँ 251 आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वन बाय वन हम इसको प्रूव करेंगे। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। इन लेफ्ट हैंड साइड देयर इज 251 मल्टीप्लाई 30 प्लस 1। सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाले पोर्शन में है 30 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 31। अब हम 251 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ, तो हमारे पास हम देखते हैं
251 को मल्टीप्लाई कर, वन मल्टीप्लाई बाय 31। सो स्टूडेंट्स इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7781। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इन राइट हैंड साइड वी हैव, पहले लिख लेते हैं राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, 251 क्रॉस 30 प्लस 251 क्रॉस 1। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करने दो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, दोनों है आप एक ही स्टेप के अंदर दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट में आपने करना है 251 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आते हैं 7530 प्लस 251 को 1 से मल्टीप्लाई करें 251 आता है। 7530 में अगर आप 251 प्लस करें तो आपके पास देखें 1 में 0 प्लस करें 1, 5 में 3 प्लस की 8, 5 में 2 प्लस करें 7, दैट इज 7781। तो आप यहां से कह सकते हैं कि योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था, पहले हमने लिखनी थी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और उसके बाद उसको प्रूव करना था। तो हमने पहले उसको लिख भी लिया, यानी उसकी राइट हैंड साइड को भी लिखा और उसके बाद प्रूव कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 17 × 39। तो अब तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बनानी है और राइट हैंड साइड भी बनानी है। ठीक है, आपकी चॉइस है आप एडिशन की प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्शन की। सो मैं इसको लिख रही हूँ 17 × 39 को मैं लिख सकती हूँ 30 + 9। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई। अब इसको देख के मैंने इसकी राइट हैंड साइड भी लिखनी है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आपके पास किस तरह आ जाएगी, 17 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ और 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, और इनके दरमियान कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं वन बाय वन, लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करने जा रहे हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, इन लेफ्ट हैंड साइड भी है 17 × 30 + 9। सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, 30 में 9 प्लस करें आपके पास क्या आता है 39। अब हम 17 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 663। नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड 17 × 30, पहले मैं राइट हैंड साइड लिख लेती हूँ स्टूडेंट्स, प्लस 17 × 9। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें 17 × 30 करें, हमारे पास 510 आंसर आता है, प्लस 17 को 9 से मल्टीप्लाई करें। अब हम 17 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है, दैट इज 153। अब इन दोनों नंबर को प्लस करें, 0 में 3 प्लस करें आपके पास 3 आ जाएगा, 5 में 1 प्लस करें 6 एंड 5 प्लस 1 6। सो आपने देख लिया कि आपके लेफ्ट हैंड साइड आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ रहा है। सो आप कह सकती हैं कि योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप सब्ट्रैक्शन अवर सब्ट्रैक्शन है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, पहले तो इसकी दूसरी साइड लिखते हैं, यानी राइट हैंड साइड लिखते हैं, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड कैसे लिखनी होगी स्टूडेंट, ये 51 सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा 100 पे और 2 पे, इसी तरह ये 51 अप्लाई हो जाएगा आपके पास 2 पे, और इनके दरमियान कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब हम इनको प्रूव करते हैं वन बाय वन, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किस तरह का आता है। सो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है 51 × 100 - 2। अब सबसे पहले ब्रैकेट के पोर्शन को सॉल्व करेंगे, 100 में से 2 माइनस की तो हमारे पास 98 आ जाता है स्टूडेंट्स, और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 51 को 98 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 4998। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट हैंड साइड। इन राइट हैंड साइड वी हैव 51 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 51 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, आप चाहे तो एक ही स्टेप में दोनों को सॉल्व कर सकते हैं या फिर सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। 51 को 100 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 51 0 माइनस, और 51 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें 2 1 2 2 5 10।
अब 5100 में से आपने 102 माइनस करना है तो आपके पास आंसर आ जाता है 4998। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें कंपैरिजन करें लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सो योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चंस को प्रूव भी करना है कि क्या ये जो हमने नंबर लिखे हैं ये दोनों बराबर हैं या नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, दैट इज 3 × 28 + 8 = 3 × 28 + 3 × 8। सो ये मेरे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लें 3 × 28 + 8। सो स्टूडेंट सबसे पहले आपने ब्रैकेट जिस पोर्शन पे है उसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स इंक्लोज्ड है उसको सॉल्व करना है। 3 × 28 में अगर आप 8 प्लस करें तो क्या आता है आपके पास 8 × 8 = 16 × 2 = 36 आता है। ठीक है अब अपने 3 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, 108। सो ये हमने तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड लिखें 3 × 28 + 3 × 8। 3 × 28 अगर आप करें तो आप 3 को आपने 28 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां आप देखें आपके पास दो ब्रैकेट्स आ रही है तो आप चाहें तो दोनों को एक ही टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं, यानी 3 × 28 करें तो आपके पास आंसर आता है 84। ठीक है प्लस इस ब्रैकेट को भी आप उसी टाइम सॉल्व करें, 3 × 8 = 24। अब 84 + 24 करें तो आपके पास आंसर आता है 108। स्टूडेंट यहां से आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। ठीक है सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है तो अब वहां पे आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 108 आंसर आएगा। लेकिन अब हमने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर बराबर है और दैट इज 108। स्टूडेंट इसी तरह से सारे पार्ट्स की स्पेस तो मैंने फिल कर दी है, जितनी ब्लैंक्स थी उनको मैंने फिल कर दिया, आपने जस्ट उनको प्रूव करना है। मैं नेक्स्ट पार्ट आपको करवाती हूँ लेकिन इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल है। पार्ट नंबर 5, इन पार्ट नंबर 5 देयर इज 5 × 18 - 13। This is part number 6 and it is equal to 8 × 5 + 18 - 5 × 13। So this is your question, question number 6। अब हम क्या करेंगे, अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड को पहले आप लिख लें। अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो ऑपरेशन इंक्लोज है वो माइनस करें, यानी 18 में से आपने 13 माइनस की तो आपके पास क्या रह जाएंगे 5 रह जाएंगे। ठीक है अब आपने क्या करना है 5 × 5 यानी मल्टीप्लाई करना, तो योर आंसर इज 25। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में स्टूडेंट हमारे पास है, पहले राइट हैंड साइड को अपने लिखना है। ठीक है पहले स्टेप में सॉल्व करना नहीं है, 5 × 13। यहाँ पे भी दो ब्रैकेट्स अपीयर हो रहे हैं, चाहे तो आप एक स्टेप के अंदर इसको सॉल्व कर लें फिर नेक्स्ट में इसको करें या फिर दोनों को एक साथ कर लें। सो हम 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाता है, इसी तरह 65 आ जाता है। सो 90 − 65 आप करें स्टूडेंट तो आपके पास क्या आ जाता है आंसर 25। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अगर आप कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं कि योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर दोनों बराबर हैं तो फिर हम वहां पे आंसर इसका सब्सटीट्यूट कर लेंगे कि यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आएगा 25। स्टूडेंट दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन और ये है पार्ट नंबर 10। बाकी जितने भी इसके पार्ट्स रहते हैं स्टूडेंट वो आपने एज अ सेल्फ असेसमेंट है उनको खुद ट्राई करना है, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रिकी चीज नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड लेना है और सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। 9 × 23 -
9 into 3 is equal to 9 into 23 minus 3. So, ये मैंने question लिख लिया है. अब हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्वेश्चन की. इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 9 क्रॉस 23 माइनस 9 इंटू 3. ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 9 इंटू 23. 9 को अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आता है आंसर 207 माइनस 3 9 27. अब 207 में से स्टूडेंट आपने 27 को माइनस करना है, सो दैट इज 180. ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. पहले राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं, दैट इज 9 इंटू 23 माइनस 3. 23 में से स्टूडेंट अगर आप 3 माइनस करें, यानी पहले मैं ब्रैकेट वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रही हूं, तो आपके पास क्या आ जाता है, 20 आ जाता है. ब्रैकेट हट जाएंगी क्योंकि हमने ये सॉल्व करे. और अब इसे मल्टीप्लाई करें, 9 जीरो जा 0, 9 टू जा 18. सो आपने देख लिया कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है. सो योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो यहां पे हम सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 180.